ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथमेश चैनल में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं आपको 12 राशियों का जून माह का भविष्यफल बता रही हूँ। इस सीरीज में आज हमारी आखिरी राशि मीन राशि है। उससे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मीन राशि के बारे में, जून महीने के बारे में बात करने से पहले आइए आपको उसके स्वभाव के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जो मीन राशि है वो राशि चक्र की 12वीं राशि होती है। इसका स्वामी गुरु होता है। ये जल तत्व की राशि होती है। जल की ही तरह ये बहुत ही निर्मल और सरल स्वभाव के होते हैं। बहुत उदार स्वभाव के होने के कारण कभी कभी इसने इमोशनल फूल भी बन जाते हैं। ये दूसरी राशियों से ज्यादा कलात्मक होते हैं। कलात्मक क्षमता इनमें बहुत होती है। बात करते हैं जून महीने में इनके करियर की, तो ये बहुत अच्छा है। आप जो भी चाहते हैं इस महीने वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। काम के सिलसिले में आप दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं। आप विदेशों में भी जा सकते हैं। स्थिति बहुत अच्छी मजबूत रहेगी। आपका काम सही चलेगा। नौकरी में आप तरक्की करेंगे। आपका काम समय पर पूरा होगा, जिससे जो आपके उच्च अधिकारी हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। जैसे जैसे काम कर रहे हैं अगर वैसे ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर तरीका बदलेंगे और नए नए विचार लेके आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। हालांकि आपको नए नए स्रोतों से आय के धन मिलेंगे, लेकिन खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आमदनी भी आपकी पर्याप्त रहेगी। कुछ खर्चे अचानक से भी बढ़ सकते हैं, जिन्हें आप चाहो तो भी नहीं टाल सकते। आपकी जो नौकरी, आप चाहे नौकरी करें, व्यवसाय करें या काम धंधा करें, आप जो भी काम कर रहे हैं आपका ये समय बहुत अच्छा है। उसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो मीन राशि है उनके लिए ये ग्रह गोचर की स्थिति बता रही है कि आप अगर निवेश करते हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, और जो निवेश आपने पहले से कर रखा है उसका लाभ प्राप्त करने का समय आ गया है। तो बात करते हैं जून माह में मीन राशि के स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपका मिला जुला रहेगा, पर कोई गंभीर समस्या नहीं है। बस छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, जैसे कान का दर्द या कंधों में दर्द हो सकता है या फिर आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। आप अगर अपनी दिनचर्या सही बनाए रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें जून महीने में आपके प्रेम जीवन की, तो यहाँ तो आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रह गोचर की जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। आपको ईमानदारी रहना पड़ेगा अपने साथी के प्रति। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आपके संबंध खराब हो सकते हैं या फिर टूट सकते हैं। तो अगर आप अपने संबंधों को बचाना चाहते हैं तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। आपको एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा और दूसरे का विश्वास भी बनाए रखना होगा। शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए संबंध अच्छे रहेंगे, उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका जो प्रेम है वो बना रहेगा, अपनापन बनेगा, आपसी आकर्षण बहुत बढ़ेगा और आपका जीवन बहुत सुख में बीतेगा। ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन साथी या जो आपका होगा वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा। आपका इससे चित्त प्रसन्न रहेगा। आप मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी। तो वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जून माह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से बात कर लेते हैं, तो पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुखद रहेगा। आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनमें प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति तालमेल बढ़ेगा, सहयोग की भावना होगी और एक दूसरे के प्रति लगाव होगा।
आपके जो माता पिता हैं उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आपके जो भाई बहन हैं उनको थोड़ा 15 तारीख के बाद कुछ कष्ट हो सकता है, पर ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आप में अहंकार आ सकता है, आप अपने अहंकार को काबू में रहें, इसका ध्यान रखें, वरना आपके संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं रह सकते। अगर इन सब के बाद में भी आपको कुछ परेशानियां होती हैं तो आप उपाय कर सकते हैं। उपाय में आप चींटियों को आटा डालें, पक्षियों को अनाज डालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी धर्म ग्रंथ देवी देवताओं का अपमान ना करें। हल्दी की एक गांठ घर पर रखें और इसके साथ ही पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपका महीना अच्छा बीतेगा। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।